हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई प्रतिष्ठा वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास सेवन द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ थ्री क्वेश्चंस व्हिच इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय और ये हमारी बुक हनी से है ठीक है तो बिफोर वी बिगिन इंश्योर दैट यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट इन माई चैनल एंड टेल मी वॉट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू लाइक टू सी इन इन फ्यूचर चलो अब बिगिन करते हैं ठीक है ये जो चैप्टर है इसका नाम है थ्री क्वेश्चन इस चैप्टर में वी हैव किंग और उस किंग के तीन क्वेश्चन हैं जिनके वो आंसर ढूंढ रहे हैं ठीक है और वो हम ये जैसे हम चैप्टर्स को चैप्टर को पढ़ेंगे हम ये फाइंड आउट करते जाएंगे कि वो कौन से तीन क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आंसर्स ढूंढना चाहते हैं कि और उनको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं सो विदाउट फर्दर एट यू लेट गेट स्टार्ट सो द चैप्टर स्टार्ट्स लाइक द थाट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही नेवर फेल इफ ई न्यू थ्री थिंग्स तो ये एक थॉट आता है किंग के, के दिमाग में कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको तीन क्वेश्चन के आंसर्स पता हों ठीक है अब दीज थ्री थिंग्स व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग और सबसे पहला क्वेश्चन क्या था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग जो सही समय क्या है किसी चीज़ को बिगिन करने का विच पीपल शुड ही लिसन टू और कौन से लोगों की बात उसको सुननी चाहिए तो पहला क्वेश्चन था वॉट आर द टाइम एंड द पीपल हुम ही should listen to ठीक है वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू और तीसरा क्वेश्चन है दट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द किंग टू डू ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन हो गए पहला तो टाइम क्या है राइट टाइम और कौन से राइट पीपल है और कौन सा राइट थिंग है फॉर हिम टू डू तो ये तीन क्वेश्चन हो गए तो इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर वो किंग ढूंढ रहा था द किंग देर फो सेंट मैसेज थ्रू आउट अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन अब उस किंग ने अपने मैसेंजर अपने दूत है ना चारों तरफ अपने राज्य में भेज दिए और ये प्रॉमिस किया कि जो भी उसके तीन क्वेश्चन के आंसर बता देगा उसको वो काफी लार्ज सम ऑफ मनी देगा दैट मीन्स वो उनको रिवॉर्ड देगा ठीक है मैंने ज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली तो खूब सारे लोग आए उस किंग के पास उनके आंसर देने के लिए तीनों क्वेश्चन के बट उन सभी लोगों के आंसर्स कैसे थे उन सब के आंसर्स डिफरेंट थे इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे कुछ लोगों ने कहा कि किंग के लिए क्या ज़रूरी है किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए ठीक है एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली और फिर क्या करना चाहिए उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ओनली इन दिस वे सेड कु ही डू एवरी थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम और यही एक सोल्यूशन है यही एक तरीका है जिससे किंग हर काम अपने प्रॉपर टाइम पर कर पाएंगे ठीक है अदर सेट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग और कुछ लोगों ने यह कहा कि भाई ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि कि, कि राइट टाइम कैसे पता लगे किसी चीज़ को करने का द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन तो वो किंग कुछ लोगों ने कहा कि जो कुछ चल रहा है वो सब नोटिस करना है किंग को अवॉइड फुलिश प्रेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एव सेम नेरी एट द टाइम और कुछ लोगों ने कहा कि भाई किंग को ऐसा करना चाहिए कि बाकी सब चीज़ों को ध्यान भी देना चाहिए जो काम जिस वक्त जरूरी है उस काम को ही करना चाहिए ये अदर से किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम अब काउंसिल क्या होता है अब काउंसिल क्या है काउंसिल है ग्रुप ऑफ पीपल चोजन to give advice or to make rules ठीक है अब किंग ने बोल अब ऐसी बात हुई कि आ, अब ये बात हुई कि आ, अब इनको क्या करना है कि किंग को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए ठीक है एक काउंसिल होना चाहिए वाइज मैन का जिससे कि वो पता लगाए कि कौन सा काम किस वक्त पे करना है ठीक है अब आ, This was because one man would find uh, it impossible to decide correctly without help from. स अब क्योंकि एक आदमी तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता दूसरों के हेल्प के बिना कि किस वक्त कौन सा काम करना है द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन ये एक आदमी के बस की बात नहीं है बट देन अदर्स सेड दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अर्जेंट होता है ऑन दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ़ द काउंसिल और इन चीज़ों और ये चीज़ें ना काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती उनको एकदम प्रॉम्पली वो चाहिए होता है एक्शन ठीक है इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर अब लोगों ने कहा कि भाई जो राइट right टाइम पता करना है किसी काम को करने के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें फ्यूचर पता हो कि फ्यूचर में क्या होगा फिर उसके ही तो हम राइट right टाइम पे काम कर पाएंगे एंड ओनली मजिशियंस को डू दैट अब ये काम कौन कर सकता है ये काम सिर्फ जादूगर कर सकता है ठीक है द किंग देअर वुड हैव टू गो टू द मजीशियस अब लोगों ने कहा कि भाई अब किंग को क्या करना है मजीशियन के पास ही जाना चाहिए इसके सोल्यूशन के लिए इन देर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आए अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में किसी लोगों ने कहा जहाँ पीपल की बात थी सम सेट दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर किसी लोगों ने कहा कि भाई उसके जो कमेटी uh, है ग्रुप ऑफ वाइज पीपल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी ने कहा कि पुजारी है प्रीस्ट है बहुत ज़रा जरूरी है एंड फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज किया एंड येट अदर सेट दैट हिज सोल्जर्स वेयर नेसेसरी और किसी ने कहा कि भई उनके सोल्जर ज़्यादा ज़रूरी है टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेट साइंस अदर सेट चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप और जो थर्ड क्वेश्चन के रिप्लाई में किसी ने कहा कि साइंस ज़रूरी है किसी ने कहा फाइटिंग किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप तो इस तरीके से अलग अलग व्यूज आ गए इस क्वेश्चन के भी एज दंग एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन व सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिसफाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड अब जो आंसर सब एकदम अलग अलग आए तो किंग बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हुए इन आंसर से और इसीलिए उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट अब हर्मिट कौन है हर्मिट इज़ अ पर्सन हु लिव्स अ लोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ एक सन्यासी है जो अकेला रहता है किसी कुटिया में और वो सिंपल सा साधारण सा अपना जीवन व्यतीत करता है ठीक है अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इतने डिफरेंट आए सेटिस्फाई हुआ नहीं और उन्होंने किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दिया अब किंग ने क्या सोचा कि वो किसी हर्मिट के बारे में हर्मिट के पास जाएंगे जो अपने नॉलेज के लिए काफ़ी ज्यादा फेमस था हर्मिट लिव इन अ यहाँ पे मतलब है जंगल ठीक है द हर्मिट लिव इन वुड विच ही नेवर जंगल को कभी भी नहीं छोड़ता था और वहाँ पे रहता था सिंपल पीपल वो किसी से भी नहीं मिलता था तो वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ अब किंग को पता था कि अगर मैं राजा बन के जाऊँगा तो वो मुझसे से मिलेंगे नहीं इसीलिए किंग ने क्या किया किंग ने साधारण आदमी के कपड़े डाले और वो हम से मिलने के लिए निकल गया उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गए बिफोर ही रिच द हम हार्ट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स अब किंग जैसे हर्मिट की कुटिया में पहुंचने वाले थे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया ठीक है विथ हिज बॉडी गार्ड किसके पास छोड़ा अपना जो बॉडी गार्ड था उसके पास अपना घोड़ा छोड़ दिया एंड वेंट ऑन अलोन और आगे का रास्ता वो अकेले चले गए एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हर्ट ही सॉ द हमिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज इन इन फ्रंट ऑफ इस हट ठीक है जैसे जैसे वो किंग वहाँ पहुँचा वो देखता है कि वो हम वहाँ पे अपने कुटिया के बाहर ज़मीन खोद रहा था ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग अब वो किंग को उसको पता नहीं था कि वो किंग है क्योंकि वो सिंपल से कपड़े के, पहन के आया। वो उनको ग्रीट करता है ठीक है विश करता है और अपने काम पे दोबारा लग जाता है ठीक है द hermit वॉज ओल्ड एंड वीक अब वो hermit क्या था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी था और वो कमज़ोर भी हो गया था एंड ही एज ही वर्क ही ब्रेथ हैविली और वो खूब ज़रा मेहनत करा था काम करा था उसके सांसें फूल रही थी ठीक है सो ही वॉज ब्रीदिंग हैविली द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेट आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन और वो किंग उस हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि भाई मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तीन क्वेश्चन के आंसर चाहिए और हाउ कैन uh, वो क्वेश्चन क्या है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम पहला क्वेश्चन है राइट थिंग एट द राइट टाइम ठीक है राइट टाइम की बात हो रही है हु आर द पीपल ने आई नीड द मोस्ट और कौन से लोग हैं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है पीपल हो गया एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है द हर्मिट लिसन टू द किंग बट ही डिड नॉट स्पीक और वो हर्मिट जो था वो किंग की बातें सुन तो रहा था लेकिन उसको रिप्लाई नहीं कर रहा था ही वेट और डिगिंग और वो अपना काम डिगिंग वाला करता रहा यू आर टायर सेट द किंग लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस अब वो हर्मिट बोलता है कि भाई वो किंग बोलता है कि भाई आप बहुत थक गए हो तो आप थोड़ा आराम करो मुझे ये स्पेड दे दो स्पेड वो औजार है जिससे कि ज़मीन खोदी जा रही थी ठीक है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तो वो बोलता है कि आप मुझे अपना स्पेड दे दो और मैं आपके जगह थोड़ा काम कर लेता हूँ थैंक्स सेट द हर्मिट गिविंग द किंग स्पेड अब ये हर्मिट जो है ये यहाँ पे हर्मिट है और ये हमारा किंग है ठीक है अब ये बोलता है कि ठीक है आप मुझे अपना स्पेट दे दो और मैं आपकी जगह काम कर लेता हूँ तो राजा बो तो हामिद बोलता है कि थैंक्स और वो स्पेट राजा को दे देता है देन सेट डाउन ऑन द वो ऑन द ग्राउंड अब वो एक जाके ज़मीन पे साइड में बैठ जाता है ठीक है When the king had dug two beds, he stopped and repeated his question. अब जब उसने यहाँ beds क्या हैं यहाँ पे beds हैं दो क्यारियाँ जब उसने दो क्यारियाँ अपनी खोद ली तो वो रुका और फिर उसने वही questions दोबारा पूछे The hermit gave no answer. अब hermit ने अब कोई भी answer नहीं दिया but stood up, stretching out his hand for his spade. अब वो खड़ा हो गया और उसने हाथ आगे फैलाया राजा की तरफ उसने बोला कि मुझे ये स्पेड दे दो ठीक है एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क अब वो राजा को बोलते कि अब तुम थोड़ा आराम कर लो मुझे काम करने दो बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू टेक अब लेकिन राजा उसको वो स्पेड नहीं देते हैं और वो ही खुद ही खोदते रहते हैं वन आर पास देन अनदर एक घंटा बीत गया फिर थोड़ा और टाइम निकला द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज अब क्या सूरज भी छिपने लग गया था मतलब शाम होने लग गई थी एंड एट लास्ट द किंग ट्राक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड आई किंग टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन तो बोलते हैं कि भाई आप इतने बुद्धिमान हो मैं आपके पास इसीलिए आया था कि आप मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम तो बोलते हैं कि अगर आप कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं दे सकते हो तो आप मुझे बता दो मैं यहाँ से चला जाऊँगा ट द हर्मिट अब हर्मिट बोलते है कि देखो यहाँ पे कोई भागता हुआ आ रहा है द किंग टर्न राउंड एंड सो अट मैन अब किंग क्या देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है his hands were pressed against his stomach. Ab, उसके पेट पे उसने अपना हाथ रख रखा था फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग अब जो उसने जहां हाथ दबा रखा था वहां से काफी सारा खून निकल रहा था दैट मीन्स उसकी वहां चोट लगी थी ठीक है वेन ही रील

तो ये लोग क्या जैसे ही उसके कपड़े हटाते तो ये देखते हैं कि इसके पेट में काफी बड़ा एक चोट है ठीक है ये तो है हमारा हर्मिट और ये है किंग ठीक है तो जैसे ही वो देखते हैं कि भाई इस हटाते तो ये यहाँ पे इसके वंड दिखता है ठीक है द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकर चिप अब किंग क्या करता है उसके जो वंड को उसको साफ करता है और एक हैंकर चिप से कपड़े से उसको ढक देता है द किंग रीड्रेस द विल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप तो वो तब तक उसको रीड्रेस करता रहता है उसके वंड को जब तक उसका खून बहना रुक नहीं जाता द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्ट फॉर समथिंग टू ड्रिंक अब वो आदमी थोड़ा अच्छा फील कर रहा था और वो कुछ पीने के लिए मांगता है उनको पानी पीने के लिए मांगता है द किंग बर्ड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम अब किंग अंदर हाट पे जाके कुटिया तो में जाके अच्छा पानी लेके आता है उसको पीने के लिए देता है वो पी लेता है बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर कूल अब क्या इस टाइम तक तो क्या हो गया वो अंधेरा हो चुका होता है सूरज छिप जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है रात के टाइम पे द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरेट दंडेड मैन इन टू द हर्ट तो ये जो हर्मिट है और ये जो किंग है दोनों एक दूसरे को हेल्प करके इस आदमी को पकड़ के हर्ट के अंदर लेके जाते हैं ठीक है इन टू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड और फिर उसको बेड पे सुला देते हैं द मैन क्लोज हिज़ आइज़ द मैन क्लोज हिज आइज़ एंड लेक हुआट द फिर वो आदमी जो वॉन्टेड बैन है वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है द किंग टायर्ड बाई हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन अब वो जो किंग है हमारा ये काफ़ी थक जाता है क्योंकि पैदल चल के आता है इस हर्मिट के पास ठीक है तो पैदल चलने की वजह से और पूरे दिन भर इतनी क्या खो दी उसने तो इन सब कामों की वजह से ये बहुत थक थक जाता है और इसीलिए उनको भी नींद आ जाती है वो पूरी रात वहीं पर ज़मीन पर सो जाता है ठीक है वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर ज़मीन पर सो जाता है लेट जाता है और स्लेप थ्रू द नाइट और पूरी रात उनको नींद आ जाती है वेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर तो जब उसकी आँखें खुली वो ये याद कर पाते है कि भाई वो कहाँ है किस जगह है वे ही वॉज एंड हु स्ट्रेंज बियडेड मैन वॉज जब कोई वो जो साथ में वेड आदमी उसके सो रहा है ये कौन है इत, इस ये सब कुछ याद कर पाते इससे पहले क्या होता है वो जो बियडेड मैन होते हैं वो बोलते हैं फगीव मी बियडेड मैन वो लाइंग ऑन द बेड वॉज फगीव मी सेट द बेडेड मैन इन अ वीक वॉइस वो सब कुछ याद कर पाते किंग क्योंकि वो एकदम से उठ के थोड़ा सा टाइम लगता सब कुछ रिकॉल करने के लिए है ना तो वो एकदम नई जगह थे वो सब कुछ रिकॉल कर पाते कि भाई ये आदमी कौन है मैं कहाँ पे हूँ तो ये सब कुछ रिकॉल कर पाते इससे पहले वो जो बियडेड मैन था वो उनसे माफ़ी मांगता है राजा से अब देखो ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं जब उससे देखा कि भाई किंग उठ गया तो वो माफ़ी मांगने लग गया अब हम देखेंगे इन्होंने माफ़ी क्यों मांगी आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फिगेव यू फॉर सेट द किंग अब राजा बोलते हैं कि भाई मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और मैं आपको माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू अब राजा और वो बियडेड मैन बोलते हैं कि आप तो मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू बिकॉज़ यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज़ माई प्रॉपर्टी तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एक ऐसा एनिमी हूँ एक ऐसा दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं तुमसे रिवेंज लूँगा रिवेंज मतलब बदला और शोर मतलब होता है कसम खाना तो बोलते हैं कि मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया एंड सीज माई प्रॉपर्टी सीज मीन्स उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना है ना कन्फ्यूज कर लेना तो बोलते हैं एंड सीज माई प्रॉपर्टी आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी डैट हर्म तो बोलते हैं मुझे पता था कि आप यहाँ एकदम ले आयो इस हामिद से मिलने के लिए एंड मेड अप माई माइंड किल यू ऑन योर वे हो और मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि भाई जब आप वापस जाओगे तो मैं आपको रास्ते में मार दूंगा बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न लेकिन पूरा दिन निकल गया और तुम वापस आए ही नहीं सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन केम अपॉन योर बॉडी गार्ड तो बोलता है तो मैं एकदम परेशान हो गया आपका वेट करते करते और फिर मैंने जो जिस जगह में छुपा हुआ था उस जगह से मैं निकला बाहर और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास पहुँचा और तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया हु हुगनाइज मी एंड बुंदेड मी जिसने मुझे रिकग्नाइज कर लिया दैट अपनी पहचान लिया और मुझे चोट पहुँचाई आई escaped from हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू had नॉट dressed my wound. तो बोलते हैं मतलब वहाँ से बच के निकल जाना तो बोलता है मैं वहाँ से तो बच के निकल गई तुम्हारे बॉडी गार्ड से लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे वनस को तो मेरी चोट को ड्रेस नहीं करते आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ तो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन बदले में तुमने क्या किया तुमने मेरी जान बचाई नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज द योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट तो बोलता अगर मैं ज़िंदा बच जाता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए एहसानमंद रहूँगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत वफादार रहूँगा और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे लिए काम करूँगा एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम और मैं अपने आगे आने वाले जनरेशन को भी यही सलाह दूंगा कि वो तुम्हारे लिए फेथफुल रहे और तुम्हारे प्रति वफादार रह के तुम्हारा काम करे फेफ में फ़ाइनली वो दोबारा से माफ़ी मांगता है ठीक है द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद इज एनिमी सो ईजीली अब किंग तो बड़ा खुश हो गया वो सोचा कि चलो बड़ी अच्छी बात होगी अपने दुश्मन से इतने आराम से शांति हो गई अब ये मेरे से रिवेंच भी नहीं लेना चाहता अब मेरा जो दुश्मन था वो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड हो गया ठीक है एंड टू हैव वन हेम ओवर एज अ फ्रेंड और वो सोचा कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गया ये अब मेरा एनिमी नहीं रहा मेरा फ्रेंड बन गया है ही नॉट ओनली फू गिव हिम बट सेंड ही वुड सेंड हि सर्वेंट एंड इज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम अब किंग ने क्या किया ऑन हीज पार्ट इसने उसको फरगिफ्ट भी कर दिया और फर्गिव करने के साथ साथ देखो इसने अपने सर, बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स भेजूँगा तुम्हारे पास कि तुम्हारा काम आराम से वो लोग कर दें और मैं अपने खुद का पर्सनल डॉक्टर भी भेजूंगा तुम्हारे पास जो तुम्हारे जो वन है उसको हील करेंगे और तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओगे एंड ही प्रॉमिज टू गिव बैक द मैन प्रॉपर्टी अब किंग ने प्रोमिस भी किया कि जो प्रॉपर्टी उसने उसे सीज कर ली थी वो प्रॉपर्टी भी वो उसको रिटर्न कर देगा बिलीविंग द वडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हमेट अब उस वनडेड मैन को वहाँ छोड़ के वो राजा वहाँ से निकल गया कि अब मैं जाके उस हर्मिट से मिलता हूँ बिफोर गोइंग अवे ही विस्ट वान्स मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन वो वहाँ से निकलने से पहले उसने दोबारा से सोचा कि चलो इस जगह से, से जाऊँगा तो उससे पहले एक बार दोबारा से ट्राई कर लेता दोबारा से हर्मिट से पूछ के देखता हूँ तीनों क्वेश्चन के आंसर अगर मिल जाए तो

तो बोलते हैं कि आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे मेरे तीनों क्वेश्चन के आंसर्स दे दो यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर सेट द हॉर्मिट स्टिल बेंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ई स्टड बिफोर हेम अब ये जो हॉमिट था ये उन वैसे ही बैठा हुआ था घुटने के बल बीज बोते हुए उस राजा की तरफ देखते हुए बोलता है आपको तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं हाउ हैव आई बीन आंसर्ड व्हाट डू यू मीन अब राजा बड़ा शॉक्ट हो गया उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया आंसर्स तो मुझे दिए नहीं इन्होंने फिर ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मुझे आंसर दे दिए हाउ हैव आई बीन आंसर्ड वट डू यू मीन तो बोलता है कि मुझे कैसे आंसर मिले मुझे समझ नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट तो हामिद कहता है उस सन्यासी कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टर डे एंड हैड नॉट डग दिस बेथस फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे तो बोलता है कि देखो अगर कल तुम मेरे ऊपर तरस नहीं खाते कि भाई मैं इतना कमज़ोर हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो फिर तुम मेरे लिए क्यारियाँ नहीं खोदते और अगर तुम मेरे ऊपर दया खा के मेरी क्यारियाँ नहीं खोदते तो तुम यहाँ से चले जाते देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ट यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विथ मी तो बोलता है अगर तुम यहाँ से चले जाते तो रास्ते में ये आदमी जो तुम्हारा दुश्मन छुप के बैठा था ये तुम्हें मार देता और फिर तुम ये सोचते कि काश मैं हरमिट के साथ ही उसके हट पर रुक जाता तो ये मुझे मार नहीं पाता सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर टिकिंग द बेस्ट तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या हो गया जब ये यहाँ बैठ के हर्मिट के लिए उस वो क्यारिया खोद रहा था ठीक है एंड द मोस्ट एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन हो गया ये हर्मिट उस वक्त के लिए एंड टू डू मी गुड वॉज द वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और इस हर्मिट के लिए भला करना उसका सबसे जरूरी काम हो गया था उस वक्त आफ्टर वर्ड्स वेन द मैन रैन टू वर्स और फिर उसके बाद दूसरा इंसिडेंट जब ये आदमी वनडेड मैन अपनी चोट के साथ पेट पकड़ के भागा भागा हमारे पास आया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर केयरिंग फॉर हेम सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था जब तुम इस आदमी का ध्यान रख रहे थे बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू और अगर क्यों अगर तुम उसको ध्यान नहीं रखते उसकी चोट सही नहीं करते दवाई नहीं लगाते ड्रेसिंग नहीं करते तो ये आदमी तुमसे शांति बनाए हुए तुमसे दोस्ती किए बिना ही ये मर जाता सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन सो उस वक्त सबसे ज़रूरी आदमी कौन हो गया वो वनडेड मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हेम वॉज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और जो तुम उसके लिए कर रहे थे उस वक्त उसका भला वो तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे ज़रूरी काम था रिमेंबर दैन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देट टाइम इज़ नाव तो उसको समझाते हैं कि देखो जो सबसे ज़रूरी टाइम है ना सिर्फ एक ही टाइम होता है जो सबसे जरूरी होता है वो टाइम कौन सा होता है अभी का टाइम प्रेजेंट का टाइम इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट तो बोलता है ये टाइम ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त हम किसी एक्शन को कर परफॉर्म करने के लिए केपेबल होते हैं क्योंकि फ्यूचर हमारे हैंड में नहीं होता पास्ट हमारे हैंड में नहीं होता हम उनको चेंज नहीं कर सकते हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बट व्हाट वी कैन कंट्रोल इज़ द प्रेजेंट टाइम हम इस वक्त जो एक्शन कर रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में है हम चाहे तो एक अच्छा एक्शन कर दे हम चाहे तो एक बुरा एक्शन कर दे ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या हो गया प्रेजेंट का टाइम The most necessary person is the person you are with at that particular time. तो हमारे लिए सबसे जरूरी person कौन होगी वो person जो हमारे साथ उस present time पे हैं उस particular time पे हैं। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. क्योंकि किसी को नहीं पता कि future में क्या होगा हम किसी और से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो ये हमें नहीं पता है। ठीक है तो इसीलिए जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा हो गया जिसके साथ हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड और सबसे ज़रूरी काम क्या हो गया उस इंसान के लिए जिसके साथ हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं उसके लिए अच्छा करना ठीक है ज़रूरी क्या है अच्छा करना भला करना ठीक है Because we were sent into this world for that purpose only. क्योंकि हम इस दुनिया में भगवान ने हमें सिर्फ लोगों के लिए अच्छा करने के लिए भेजा है किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं भेजा है ठीक है तो इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आता है हमारे लिए सबसे ज़रूरी टाइम कौन सा है अभी का टाइम ठीक है और उस वक्त हम जिस पर्सन के साथ हैं वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी पर्सन है और उस पर्सन के लिए गुड करना अच्छा करना ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम है उस पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है ये तीन क्वेश्चन के आंसर्स उस किंग को मिल गए और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स हमें भी अपने लाइफ में अप्लाई करना है सो दैट वी विल नेवर फेल इन लाइफ ठीक है क्योंकि किंग ने यही कहा था ना क्योंकि अगर उसको तीन क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा तो अगर हमें भी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए अगर इन तीनों को, आ, चीज़ों को हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो हम हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए फेल नहीं होंगे एंड वी विल बिकम अ वेरी गुड पर्सन ठीक है आया समझ में ये चैप्टर आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज़ तो प्लीज प्ले प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशं डोंट फर्गेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग जय हिंद जय भारत टेक केयर एवरी वन बाय बाय